साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों आप सभी के इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। बिहार टेलेट एंट्रेंस एग्जाम 2024 का रिजल्ट जो है बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है। आप सभी अपना स्कोर कार्ड और रैंक जो है देख सकते हैं, जिसके आधार पे आपको कॉलेज च्वाइस करने का मौका मिलेगा। उसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं और आपको लिंक भी देंगे, जिससे आप डायरेक्ट जो है आप अपना स्कोर कार्ड जो है देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 यानी सेशन की बात करें तो 2024-26 में अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं, आपने भी एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो उसी का रिजल्ट जो है आपका जारी हो गया है। हमने आपको कहा था अपनी वीडियो के माध्यम से कि 15 जून तक आपके रिजल्ट जो है आ जाएंगे, और आज देखिए 14 जून को ही आपका रिजल्ट जो है यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अब आगे देखिए कि क्लोजर ऑफ रिजल्ट यानी कि 4 जुलाई 2024 को आपका रिजल्ट जो है क्लोज हो जाएगा, यानी कि जो आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस होगी वो आपकी कल से शुरू होगी। यानी कि एक डेट आएगा बिहार बोर्ड की ओर से और उसी काउंसलिंग के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज च्वाइस करना होगा, यानी कि आपको कॉलेज का च्वाइस करना होगा। जो रैंक होगा आपका आधार और जो आपका नंबर होगा उसी के आधार पर आपको कॉलेज च्वाइस का ऑप्शन डालना होगा, जहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। उन सबकी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे, ताकि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो। कोई भी जल्दबाजी में आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वे आगे की सब का आपको अपडेट यानी कि अभी से लेके जो एडमिशन आपका खत्म होगा उस समय तक सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए रिजल्ट की बात करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आने के बाद आपके फोन में 3 डॉट दिख रहा होगा ऊपर में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और नीचे आपका यहाँ पे डेस्कटॉप साइट होगा। आपको सिंपली इस डेस्कटॉप साइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इससे होगा क्या कि आपका पेज जो भी खुलेगा यहाँ पे वह एक आपका पीसी फॉर्मेट में खुलेगा, जैसे कि लैपटॉप में खुलता है। यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है। जब आप फॉर्म फिलअप किए होंगे, रिसीविंग आपको मिला होगा, वहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर होगा और डेट ऑफ आपको डालना है। चलिए हम एक एप्लीकेशन नंबर डालते हैं और डेट ऑफ बर्थ करके डाल के लॉगिन करते हैं। साथियों अगर डाउनलोड करने की बात करें तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में क्या डालना है मैं आपको बता दूँ। मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ 6/1/97 है, ठीक है, तो आपको कैसे डालना होगा, यहाँ पे आपको 06 डालना होगा, फिर स्लैश आपको डैश देना होगा, यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद 01 और उसके बाद स्लैश, फिर आपको 1997 डालना होगा, तभी आपका लॉगिन होगा। बहुत लोग क्या करेंगे, सीधे 06, 01 और 97 डाल देंगे इसमें, तो इसलिए आपका ओपन नहीं हो रहा होगा। आप सभी के कमेंट भी आ रहे थे, तो इसलिए आपको ऐसे डालना है, यहाँ पे डैश जरूर देना है, यानी कि दोनों के बीच में आपको यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिया है इसी फॉर्मेट में आपको डालना है, ठीक है। तो सिंपली चलिए हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करते हैं। तो साथियों हमने यहां से लॉगिन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट 2024, और यहां पे स्कोर कार्ड आप चेक कर सकते हैं। यहां पे नाम और जो एप्लीकेशन नंबर है वह हमने प्राइवेसी के लिए इसको हाइड कर दिया है, ताकि आप अपना यहां से देख सकें। देखिए यहाँ पे आप अपने स्कोर कार्ड देखेंगे तो नीचे में आएगा स्कोर कार्ड। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कई कैटेगरी, आपको कैटेगरी दिखेगा कि आपका कैटेगरी क्या है, बीसी है कि आपका ईबीसी है, जो भी कैटेगरी आपको बताएगा आपका कितना स्कोर है, यानी कि आपने 120 में कितने नंबर सही किए हैं, यानी वो आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद आप देख सकते हैं कि 31 point something है, तो आपको भी दिखाएगा आपका कितना है, और वहाँ पे आपको दिखाएगा नॉट क्वालिफाई और एक आपको दिखाएगा क्वालिफाई, ठीक है। तो एक होता है क्वालिफाई और एक होता है आपका नॉट क्वालिफाई। तो क्वालिफाई कौन होता है, जो पास होते हैं, जो यानी कि बिहार बोर्ड ने जो मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा हुआ है, अगर आप उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप पास की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि 30% भी होता है तो 120 का 30% की बात करें तो 36 नंबर भी अगर जिसका है उसमें आपका क्वालिफाई दिखाएगा, लेकिन जिसका नहीं है उससे कम है तो उसको नॉट क्वालिफाई दिखाएगा, और जिसका नॉट क्वालिफाई है उसका एडमिशन इस वर्ष किसी भी हाल में नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो नॉट क्वालिफाई है उसका मतलब किसी भी हाल में आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। अब बात आती है कि क्वालिफाई, तो क्वालिफाई में भी आपको 2 रैंक दिखेगा, एक रैंक दिखेगा आपको कैटेगरी रैंक का दिखेगा, एक आपको ओवरऑल रैंक रैंक। जैसे हम आपको बता देते कि मान लीजिए 6 लाख बच्चे शामिल हुए हैं परीक्षा में, डियल एग्जाम्पल के 6 लाख हुए हैं, उसमें से आपका एक होगा कैटेगरी रैंक। मान लीजिए कैटेगरी रैंक आपका 1 लाख है, कहने का मतलब कि 1 लाख जो आपका कैटेगरी रैंक है, या 6 लाख बच्चे के अंदर आपका जो कैटेगरी है बीसी कैटेगरी है या एससी कैटेगरी है उसके, यानी कि 1 लाख के अंदर 6 लाख के अंदर 1 लाख ऐसे कैंडिडेट थे जो कि बीसी कैटेगरी के थे, उसमें आपका 1 लाखवा रैंक है। यानी कि बीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 1 लाखवा स्थान पर आपका है
यानी कि उतने बच्चे में। वहीं अगर मान लीजिए कि आपका जनरल रैंक है, ओवरऑल ऑल रैंक की बात करते हैं, मान लीजिए कि 105,000 है, तो कहने का मतलब कि 600,000 बच्चे के अंदर जो ओवरऑल ऑल रैंक है आपका कि 105,000 स्थान पर आप हैं, यानी कि आपसे पहले 104,999 यानी कि 104,999 की बात करें तो ये क्या होगा, आपके पहले स्टूडेंट हैं, ठीक है, उसके बाद आपका नंबर आता है। तो इस समय जिसका रैंक कम होगा ना, जिसका रैंक कम होगा, चाहे आपका ओवरऑल रैंक की बात करें, कैटेगरी रैंक की बात करें, तो उसको कॉलेज मिलने की संभावनाएं काफ़ी अधिक रहती है, चाहे वह प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो। जितना अधिक नंबर होगा उतना आपको चांसेस ज़्यादा होगा। अब आपको प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कैसे अप्लाई करना होगा, कितना नंबर है तो आप प्राइवेट कॉलेज को कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज को कर सकते हैं, कौन से कॉलेज को कौन सा स्थान पर रखना है, इन सब की जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आपका नंबर कितना है उसी के आधार पर आपको कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ियाँ यहाँ पर होती है। अगर आप एक बार मिस्टेक कर देते हैं तो फिर यहाँ पर आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और फिर एडमिशन तो भूल ही जाइए। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आपका 60 नंबर है, तो 60 नंबर है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, किसी का 55 नंबर है तो उसका भी एडमिशन हो जाएगा। अब सोचिएगा कैसे हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको ध्यान में रखना होता है। जो मिनिमम पासिंग मार्क्स मान लीजिए 36 है, तो 36 वाले का भी एडमिशन हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है, जब सीटें खाली होगी किसी कॉलेज में, तभी हो सकता है। कि अगर कोई एडमिशन नहीं ले पाता है किसी कारणवश से और उस कॉलेज के अंदर सीटें खाली रह गई, तो एक क्राइटेरिया भी हाईकोर्ट ने बनाया कि 30% नंबर आप लेके आते हैं तो आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं, आपका एडमिशन डीएलएड फर्स्ट ईयर में हो सकता है। अगर आप उससे कम लेके आते हैं, नॉट क्वालिफाई है, तो आपका किसी भी सूरत में बिहार में आपका एडमिशन नहीं होगा इस सेशन में, इस बात का ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे उम्मीद है कि, और आगे भी हर एक अपडेट हम आपको देने वाले हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।